तो गाइस आप भी क्या काइंड मास्टर एप्लीकेशन यूज करते हो? आप भी एक क्रिएटर हो, कौन सा एप्लीकेशन से एडिटिंग करते हो? काइंड मास्टर से डेफिनेटली एडिटिंग करते हो, क्योंकि ज्यादातर जो क्रिएटर होता है वो अपने काइंड मास्टर जो एप्लीकेशन होता है, जो किने मास्टर नाम से जाना जाता है, उस एप्लीकेशन से एडिट करता है। क्योंकि भाई किने मास्टर जो एप्लीकेशन है एक सिंपल एप्लीकेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा फीचर मिलता है, इसलिए वो ज्यादातर क्रिएटर जो पसंद करता है किने मास्टर, मतलब बेस्ट एडिटिंग एप्लीकेशन नाम लिया जाए तो किनेमास्टर फर्स्ट नंबर में आ जाएगा यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के लिए। तो गाइस किनेमास्टर एप्लीकेशन में अभी कुछ अपडेट आया है, मतलब मानो पूरा किनेमास्टर एप्लीकेशन का नया फीचर आ गया है, लेटेस्ट वर्जन आया है, जिसमें आप पहले जो किनेमास्टर था उसमें जैसा अपडेट होता था उसका बात छोड़ दो, अभी फिलहाल किनेमास्टर का जो एप्लीकेशन है उसमें आप अगर वीडियो एडिट करोगे तो आपका वीडियो का जो क्वालिटी है और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब बहुत सारा फीचर, नया नया फीचर आया है किनेमास्टर, को कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या फीचर आए हैं, मैं पूरा आप लोग को लाइव डेमो का साथ में दिखाने वाला हूं। तो गाइस मैं हूं परितोष, आप देख रहे हो एसके टेक ऑनलाइन। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखते रहना। चैनल में अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना बनता है। अब अगर आप लोगों को सब्सक्राइब करना मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, उस वीडियो का नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन शो करेगा, जस्ट उसको आपको काला करना है, बस उतना ही काम है। उसका बाद में वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको चेकआउट कर लेना है, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो जरूर करना है, मस्ट फॉलो करना है। तो गाइस चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब क्रिएटर जो लोग ज्यादातर स्मार्टफोन से एडिटिंग करता है लोग भाई डेफिनेटली किनेमास्टर एप्लीकेशन यूज करता है, क्योंकि गाइस किनेमास्टर जो एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सिंपल सा एप्लीकेशन है लेकिन ज्यादा फंडा है उसके अंदर में, आप किसी भी तरह से वीडियो को एडिट कर सकते हो, इसलिए ज्यादातर जो सिलेक्ट करता है वो किनेमास्टर एप्लीकेशन को, मतलब इट इज ए बेस्ट एप्लीकेशन जो काइंडमास्टर एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन में अभी बहुत ज्यादा नया नया फीचर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मान लो जो पहले किनेमास्टर एप्लीकेशन था उसमें जितना फीचर था उससे बहुत ज्यादा फीचर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी अगर लेटेस्ट वर्जन काइंडमास्टर एप्लीकेशन यूज करोगी उसमें अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम एडिट करोगी सिंपल उसी तरह है लेकिन फीचर ज्यादा देखने को मिलेगा, उसमें आपका वीडियो का क्वालिटी जो है और भी ज्यादा इम्प्रूव होगा। तो उसमें क्या क्या नया फीचर आया, वॉयस क्लियर नहीं होगा तब भी आप किनेमास्टर एप्लीकेशन से इजिली वॉयस को क्लियर कर सकते हो, कलर बहुत सारा कलर मिल जाएगा और भी तरह तरह के आपको नया नया फीचर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं स्मार्टफोन का स्क्रीन में जाके काइंडमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करके उसका बाद में आप लोगों को लाइव डेमो का साथ में दिखाने वाला हूं क्या फीचर आया है। मेरा स्मार्टफोन में आ गया है, अभी फिलहाल काइंडमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। मैं फिलहाल एक वीडियो को ओपन कर लिया, ओपन कर लेने के बाद ये यहाँ देख सकते हो आप लोगों को बहुत तरह तरह के फीचर, जैसे कि फर्स्ट में आप लोग अगर मान लो वॉयस अगर लो रहने से हम लोग हाई कर देता हूँ, हाई कर देने के बाद हम लोग का जो भी वॉयस रहता है मान लो उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो वॉयस को, जैसे कि आपको EQ मिल जाएगा, EQ में आपको एसर बूस्टर मिल जाएगा, बहुत सारा आप लोगों को EQ मिल जाएगा, EQ मिलने के बाद आप वॉयस चेंजर आपको मिल जाएगा, वॉयस चेंजर में बहुत सारा आप लोगों को मिल जाएगा, पहले 2-3 था लेकिन अभी वॉयस चेंजर में आप लोगों को और भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अगर आप वॉयस को रिवर्ट करना चाहते हो तो रिवर्ट ऑप्शन में आपको जाना है, इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इको रूम करना चाहते हो इको रूम कर सकते हो, या अगर आप यूट्यूब वीडियो के लिए आप लोगों को बेस्ट है स्टूडियो ऑप्शन नीचे में मिल जाएगा, स्टूडियो ऑप्शन में अगर आप क्लिक करके रखोगे तो आपका वीडियो में जो नॉइस रहता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका ऑडियो में कोई भी नॉइस नहीं रहेगा अगर आप स्टूडियो ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे रिवर्टेड ऑप्शन में जाके। उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट मिलता है जो वीडियो का कलर चेंज करना है, पहले एडजस्टमेंट में जाके 2-3 कलर ऑप्शन मिलता था लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा आप लोगों को कलर ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो आप लोगों को ब्राइटनेस मिल जाएगा, कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा, बहुत सारा कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा इसमें, मतलब आपका वीडियो इसमें और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। उसके बाद इसमें आप लोगों को वर्स ऑप्शन भी मिल जाएगा, मतलब पहले जो फीचर था वही फीचर है लेकिन उससे भी ज़्यादा और फीचर को ऐड किया गया है, इसमें आप और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो अपना वीडियो को। डॉट में प्रेस करना है, उसके बाद में आप लोगों को डुप्लीकेट का साथ में आपको सेंटर वर्टिकल या सेंटर हॉरिजॉन्टल आपको सेंट टू बैक आप लोगों को फीचर देखने को मिल जाएगा, मतलब पहले जैसा था उसी तरह है लेकिन उसमें कुछ नया फीचर दिया है, उसके बाद बहुत सारा चेंजेस भी किया है। जैसे कि मान लो आप वीडियो का एंड में चला गया हो तो एंड में जाने के बाद आप सोच रहे हो भाई मैं स्टार्टिंग में जाना चाहता हूँ एंड में जाना चाहता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे प्रेस करके आप एंड में जा सकते हो स्टार्ट में भी जा सकते हो। उसके बाद इधर लेयर ऑप्शन में क्लिक करके अगर आप मीडिया ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो इसमें आप लोगों को अलग अलग फोल्डर में शो करेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको अलग अलग फोल्डर नहीं शो करता था, जो फोल्डर में है
है उसी फोल्डर का अंदर में आपको शो करता था, लेकिन अभी फिलहाल इसमें अलग अलग फोल्डर से शो करेगा। आप इजीली कोई भी फोल्डर को चूज कर सकते हो। उसके बाद गाइस इसमें और एक चेंज हुआ है, जो मान लो आपको वीडियो को तो रेडी कर ले, रेडी करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करना होता है, तो एक्सपोर्ट ऑप्शन पहले इस साइड में था, अभी फिलहाल इसको ना ऊपर की तरफ आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें और एक चेंज हुआ है, जो आपको अगर एक्सपोर्ट में आप क्लिक करोगे तो एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ 720 पिक्सल और 540 पिक्सल, 840 पिक्सल, 360 पिक्सल मिलेगा, लेकिन जो 1440 पिक्सल या 1080 पिक्सल, ये दो जो वीडियो का क्वालिटी था ये रिमूव कर दिया गया है। सिर्फ आपको 720 पिक्सल, 540 पिक्सल और 480 पिक्सल मिलेगा और 360 पिक्सल मिलेगा। लेकिन इसमें भी आप हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन जो है वो उसका हाई क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप मान लो 720 पिक्सल पे रखना चाहते हो तो रख के आप लो भी कर सकते हो या हाई भी कर सकते हो। इसमें आप एडजस्ट करके आपका क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। ये नहीं है कि 80 पिक्सल नहीं है तो हमारा वीडियो क्वालिटी खराब हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इजीली जाके डाउनलोड कर लेना। वाटरमार्क होता है हमारा वीडियो में, देख सकते हो वाटरमार्क नहीं है। अगर आप इसको भी रिमूव करना चाहते हो इसके लिए भी वीडियो आप लोग आई बॉटम में वीडियो मिल जाएगा, उसको जाके जरूर देख लेना अगर आप फर्स्ट टाइम काइनमास्टर एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो। कुछ जो लाइव डेमो दिखाया है किस तरह क्या फीचर आया है या कैसे डाउनलोड करना है सारा कुछ मैं बता दिया। आप लोग जाओ, अगर आप लोग काइंड मास्टर एप्लीकेशन को यूज करते हो तो डेफिनेटली जाओ, इसको डाउनलोड करो, इसमें एडिट करो और ज्यादा वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव करो। उसमें आपका व्यूअर्स आने का चांस भी ज्यादा रहता है, सब कुछ चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि वीडियो का क्वालिटी अच्छा रहेगा तो भाई कोई बंदा डेफिनेटली उस वीडियो को फर्स्ट टाइम अगर क्लिक करेगा तो पूरा वीडियो को जरूर देखेगा। तो ये वीडियो का क्वालिटी से डिपेंड बहुत ज्यादा करता है, इसलिए एडिट करते हो काइंड मास्टर एप्लीकेशन से। तो इस वीडियो को भाई आप लोग लाइक तो बनता है, लाइक करना, शेयर करना। चल गाइस, आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोग को सारा कुछ समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में नए तो मास्टर या चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ भी करो मुझे नहीं पता, मुझे भाई सब्सक्राइब चाहिए और लाइक भी चाहिए। सिर्फ सब्सक्राइब चाहिए ऐसा बोलने से नहीं होगा, सब्सक्राइब तो करना बनता है, उसके साथ में बेल घंटी है उसको भी प्रेस करना है ताकि आगे का वीडियो जो मेरा चैनल में आने वाला है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक बात गाइस, इंस्टाग्राम का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो जरूर कर लेना, प्लीज गाइस फॉलो जरूर कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।